नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बचे हुए ऊन का उपयोग करने के लिए एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाए हूँ। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो हमारे पास थोड़े थोड़े करके ढेर सारे ऊन बच जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम इनका क्या करें। तो आज जो मैं डिज़ाइन लाए हूँ, उस डिज़ाइन का उपयोग करके आप इन बचे हुए ऊन का, चाहे तो पर्स, चाहे तो मोबाइल कवर, चाहे कैप, कुछ भी बना ले। इस डिजाइन में इन सभी बचे हुए ऊन का उपयोग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हम बनाएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए। जब हम ऐसे चार चार फंदे गिने तो सिलाई में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चार के मल्टीपल फंदे लेने हैं। तो डिज़ाइन का ये पहला लाइन है और सामने से। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि वीडियो और डिज़ाइन आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने सिलाई में 24 फंदे डाले हैं और ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो पहले लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। जिन्हें सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो अब हम अपने दूसरे कलर को अटैच करेंगे और पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को स्लिप करेंगे। नेक्स्ट, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदा हम स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो फंदा स्लिप करना है। स्लिप करने के लिए हम फंदे को में ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और इन्हें स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, दो फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में एक फंदा बचेगा, ये एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ से हैं और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब इन स्लिप किए हुए फंदे को हम वापस स्लिप करेंगे ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डाल के। तो हमने दो फंदे ये स्लिप किए थे, इसे वापस स्लिप कर लेंगे और ये बुने हुए फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को हमें ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है और बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है। लास्ट फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। रॉन्ग साइड से हम अपने पहले कलर से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा चौथा लाइन है और इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो चौथी लाइन में हमने सभी फंदों को अपने प्राइमरी कलर के ऊन से
उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं और अब हम अपना तीसरा कलर अटैच कर लेंगे। अब तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, ये एक, ये दो स्लिप किए हुए फंदे थे, इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए ये हमारे जो सेकेंडरी कलर से दो बुने हुए फंदे हैं, इन्हें हमें स्लिप कर लेना है। तो दो फंदा स्लिप कर लिया, ये तो पहला फंदा है जिस स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो फंदा हमें अपने तीसरे कलर से सीधा बुनना है, फिर दो फंदा स्लिप कर लेना है। देखिए ये वही दो फंदे हैं जिसे हमने दूसरे रंग के ऊन से बुना था, तो अब की इन्हें हमें स्लिप कर लेना है और ये जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उन्हें हमें बुन लेना है। जो पहले कलर के ऊन से बुने हुए फंदे हैं उन्हें बुनना है और ये देखिए ये दूसरे कलर वाले फंदे जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें स्लिप कर लेना है। दो फंदा सीधा और दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करना है। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया और अब ये डिजाइन का छठा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये बुने हुए फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे और ये दो फंदा स्लिप किया हुआ है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे बुने हुए हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और ये दो फंदे जो स्लिप किए हैं इन्हें वापस स्लिप कर लेंगे। तो दो फंदा उल्टा और दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा बुनना है, दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा और दो फंदा स्लिप करना है। लास्ट में तीन फंदे हैं तो इन्हें हमें उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारा छठा लाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं छह लाइन को हमें वापस दोहराना है। अब देखिए अपने पहले रंग के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अपने पहले कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। तो पहले फंदे को हम दूसरे कलर के ऊन से पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदों को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये जो दो फंदे बुने हुए हैं इन्हें हमें स्लिप करना है और ये जो हमारे सेकेंड हमारे फर्स्ट कलर के दो फंदे देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, दो फंदे इन्हें हमें उल्टा बुनना है। ये दो फंदे तीसरे कलर के जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें स्लिप कर लेना है और ये दो फंदे जो हमारे फर्स्ट कलर से बुने हुए दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें उल्टा बुन लेना है। दो फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा बुनना है, दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे सीधे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। अब ये हमारा दसवां लाइन है और डिजाइन का चौथा। तो हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। छह लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और डिजाइन बेहद आसान है लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा।
बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। बस सीधे उल्टे का ये डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब फिर हम अपने थर्ड कलर से बुनेंगे। तो अब ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है और यहाँ हम 11वां लाइन बुनने जा रहे हैं। तो अपने थर्ड कलर से तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन। अब देखिए ये हमारे दूसरे कलर का ये फंदा है तो इसे हमें स्लिप कर लेना है। दूसरे कलर का ये जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर वाले फंदे को हमें स्लिप करना है। और देखिए ये हमारे फर्स्ट कलर का दो फंदे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हमें बुन लेना है। तो दो फंदों को बुनना है, दो फंदे को स्लिप करना है, दो फंदे को सीधा बुनना है, दो फंदे को स्लिप कर लेना है। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदों को उल्टा बुन लेना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेना है। दो फंदा उल्टा बुनना है, दो फंदा स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा बुनना है और दो फंदा स्लिप करना है। छह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं छह लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते रहना है तो खूबसूरत सा ये पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, छह लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।